विवेक शुक्ला, हिस्ट्री का पेपर चाहिए था ना, ये लो सामने मौजूद, देख लो फिर बताना कल कितने मार्क्स आए इसमें से। ये है मेरा सोर्स पेपर, देख लो, वीडियो पॉज करके देखो, कल आप सुबह जब उठोगे, मैं ये आपको बता रहा हूँ, कल आप सुबह, कल आपके एग्ज़ाम 3 बजे है, कल ये पेपर ध्यान से करो, प्रिंट आउट नहीं मारो, प्रिंट आउट मार के कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ हासिल नहीं होगा। देख लिया, ध्यान से देख लिया, सॉल्व कर लो अभी, अभी के अभी, अभी के अभी सॉल्व करो भाई, कह रहा हूँ अभी के अभी सॉल्व करो, मैं फुल टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से बैठे रहो, मैं बैठा आपको रात भर जाऊँगा, जितने चाहे वो लोग बना दूंगा, यही लोग यही कर लोगे, फुल टाइम दे रहा, एक एक पेज पर मिल दूंगा, बुक निकालो देखो करो, नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करो, करो आगे भी बढ़ना, आगे मत बढ़ना बिना पेज किया, ठीक है, कल का पेपर है भाई, यही है, कर लो कर लो, तो विश्वास किया तो करो, अच्छे से करो, मैं फुल टाइम दे रहा हूँ, देख लो ये भी देख लो, प्रिंट आउट करने, प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट मत मारो मत मारो मत मारो, मैं कह रहा हूँ प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट मारो ही मत, उसे चेक कर लो, सुबह सुबह पढ़ोगे इसको ना तो स्ट्रेचिंग कर लो, देख लो जो नहीं आता अभी बुक निकालो, देखो अभी के अभी के अभी के अभी, पॉज कर दो वीडियो को, नहीं समझ में आता था लो, 3B देखो कैसे आएगा, डिस्कवरीज डिस्कवर डैश ने किया डिस्कवरीज, डिस्कवर कौन था, अपेल जजोन ट्रांसफर कस्मन सॉरी मडेरा और अजोर्स का डिस्कवरी किसने किया, बता बता बता, गुंगू पार्क ने क्या डिस्कवर किया, और डेल्टा रीजन में किसने डिस्कवर किया, इस तरह से मसला आना चाहिए। अब ये पूछा जाएगा, देखो बच्चों का इतना मार्क्स मार्क है ना, रॉयल सोसाइटी इम्प्रूविंग नेचर नेचुरल नॉलेज साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस फ्रांस लंदन एकेडमी ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिल करना है आपको, कंप्लीट करना है आपको, कॉज ऑफ फेलियर को सिर्फ 4 बता दो, 4 पूछ रहे हैं बोलो, ध्यान से देखो पेपर, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से बोलो, मैं फास्ट जा रहा हूँ तो बता दो, पॉज करो वीडियो, एरो मत दबाओ, पॉज करो, स्क्रीनशॉट मत मारो, लास्ट मोमेंट पे नहीं करना चाहिए, जो कह रहा हूँ मानो मेरी बात है ना, आप तो मानोगे एज अ न्यू फ्रेंड, आप मानोगे राइट, इतने दिख रहा है रिजल्ट, एक और कर लिया चेक करो, कौन सा नहीं आता, जो नहीं आता करो अभी के अभी के अभी के अभी, तस्वीर निकालो, वीडियो पॉज करो, देख लो, ठीक है, हो जाएगा, come on come on can do it man, let's rock the world,
चलो आगे चले गया मैं, लो पूरा पेपर, पूरा पेपर रेडी कर रहा हूँ मैं आपके लिए, और क्या चाहिए देखो। सही नहीं, ये गलती नहीं थी। आप लोग वीडियो शायद मोबाइल में देख रहे हो तो आवाज़ तो मेरी अच्छी आ रही है ना, आवाज़ से क्या देख लिया। और है बहुत है, हर चैप्टर पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ले लो कर लो। चलो चेक कर लो, चेकिंग करो भाई, चेकिंग करो। फ्लोरिडा कैलिफोर्निया अमेरिका वॉज कंट्रोल्ड बाय, किसने कंट्रोल किया था भाई बता दो, बता दो। वेट कर रहे हैं आप तक तो पढ़ाई कर लो, ऐसा ही हूँ मैं, करवा के छोड़ता हूँ, सामने ट्रेनर हूँ, टीचर नहीं हूँ। अभी क्या अभी करो, डाउट है पूछ लेना, वीडियो बना दूंगा, जो डाउट है मैं वीडियो बना दूंगा। सुबह का कोई भरोसा नहीं, मतलब जब मैं अभी वीडियो देखूँगा तो शायद मैं रात में जा पाऊँगा, सुनूंगा तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मैं 4 बजे तो 4 बजे सो रहा हूँ मैं, लो कर लो बात, करो करो अच्छे से करो। ये लो आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, देखो ये मैप है, क्या क्वेश्चन पूछे वो देख लो आप, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं मैप मैप को लॉन्च कर दूँ। पढ़ लिया नॉर्थ साउथ कौन सी कोस्ट पे है, कौन सा ओशियन है, बॉस्टन और फिर अफ्रीका इम्पोर्टेंस क्या है। अब आपको मैं अपनी लॉन्च कर देता हूँ, लॉन्च कर दिया और लॉन्च कर दिया क्या, तेरह अमेरिकन कॉलोनीज की कहानी ठीक है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन थर्ड ए में आए और भाई, और ये लो थर्ड बी, कॉलोनिज्म के 4 रीजन बता दो, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा जवाब बैठा करो, इंपीरियलिस्टिक चेन के लिए बता दो 4, देख लो भाई। रीजन्स बिहाइंड एज ए फॉर्मेशन वो भी देख लो, नहीं बनाओगे तो रुकोगे रुकोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, जब मैं चेक करूँगे फिर बन गया, स्क्रीन शॉट का चक्कर मत करियो बेटा, फटाफट ये पॉइंट चेक करो, कौन सा नहीं आता, कौन सा नहीं आता, मैं थोड़ा ज़ूम आ करूँ यार, ज़ूम करवा दिया तुम लोगों ने मुझको, इसी की क्या वीडियो बना देता मैं, ये बनाया है तुम्हें, अब मैं जुम्मा ही बनाऊंगा।
इतने बैठ के पढ़ाई तो मैंने अपने बोर्ड के लिए की, क्यों होगी पता नहीं आगे। ज्योग्राफी में तो मिले थे 38-40 में, पता नहीं दो नंबर कहाँ चले गए बोर्ड में, ऐसा लगा था फुल में फुल मिलेगा। अब वो बॉर्डर लोगों ने मास्क काट दिया, कहीं ना कहीं यहाँ बाहर बना के, हमने तो फुल लिखा था। आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब मैं ढूंढूंगा उसको, पता भाई कहाँ मार्क काटे, गलती कहाँ हो रखी है भाई। वो पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। और एक आ गया, लो चैप्टर थर्ड, लो भाई पूरा का पूरा माल रेडी है। ध्यान किधर है? अरे माल इधर है। फ्री अफ्रीका लौट, अफ्रीका नहीं होता, यूट्यूब फ्री नहीं होता भाई। और बहुत टाइम खर्चा करना पड़ता है आपको, सर्चिंग में पूरी जिंदगी निकल जाती है, स्वास्थ्य खराब होता है वो अलग। इससे अच्छा है कोई अच्छा सा ट्रेनर पकड़ के उसको दे के जूम पे करवा लिया करो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरा ये विचार नया है, यूट्यूब पे पर ये बात मान लो लाइव करवा दो यूट्यूब पे, वो भी सही है। हाँ भाई 100 रुपये खर्चे करके कोई बड़ी बात ना है, आपके 1000 घंटे तो खर्च हो गए होंगे पिछले 5 महीने में। अच्छी चीज़, अच्छी चीज़ जब आई है जे आई है, अब आई है जे। लो भाई कर लो कर लो कर लो कर लो, रीडिंग कर लो। आगे ना कॉलेज का कोर्स बता देना, मैं करवा दूंगा, करियर काउंसलिंग कराऊंगा मैं आपकी। वो सब फ्री में नहीं होगा, फ्री में, फ्री के चक्कर में टाइम होता है बर्बाद, कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ती है ना। रूल ये है, टाइम बहुत दे रहे हो आप यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, स्पेसिफिकली जाइए एक को चूज़ करिए, हम हैं ना, हमको चूज़ करिए, पसंद आए तो हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली, प्रॉपरली गाइड करेंगे। हमसे अच्छा कोई गाइड नहीं कर पाएगा इस देश में, बता रहे हैं। हाँ नहीं तो साइंटिफिक करे तो हम जरूर, मैं बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ख़त्म तो करो ये पेपर कल का, मार्क्स पक्ष ले आओ भाई, लेट्स प्ले द गेम ऑफ हिस्ट्री। अच्छा काट रहे हैं, ये बहुत बड़ा सा की है। इस चैप्टर में कोई मैप बेक क्वेश्चन नहीं है भाई, बल्ले बल्ले होए। लो जी ये क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा टीवी स्क्रीन पे आपके, मैं बैठा क्यों, मैं बगल में अपना सो जाऊं और फिर बस पर टिक टिक करते जाऊं। नहीं नहीं यार, मेरा मतलब एक्सरसाइज करता हूँ तब तक। हाँ ये एक क्रॉस साइड साइड वाला है ना, दिखता भी रहूँ यहाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ स्ट्रेचिंग वार्म। लिया भाई वो ये करो, इसको मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूँ। पता नहीं मेरी स्पीड स्लो है कि फास्ट है। अरे मैंने दौड़ते दौड़ते मैराथन रनर हूँ, सुबह रनिंग करते करते मेरी क्लास नहीं हुई, रनिंग करते करते, कैन यू बिलीव दैट। हाँ फॉरेन कंट्री की स्टूडेंट थी, सुबह आती थी 4 बजे, एक दिन लेट हो गई 5 बजे आई, वेरी एक्टिव लाइन पर थी। अभी टाइम में बहुत स्मार्ट, मतलब जो इंडियन जाते हैं ना कनाडा यूएस स्मार्ट बन जाते हैं, वहाँ एग्जाम का चक्कर नहीं ना होता, इतना मगिंग नहीं करना पड़ता, शायद इसलिए दिमाग खुल जाता है भाई।
कर लो, अच्छे से कर लो भाई, पेपर अच्छे से कर लो पेपर। ये लो और एक आ गया, लो भाई कर लो बात। कान में दर्द हो रहा है, वो लगा हुआ है ना स्पीकर। ये तो फुल लॉन्च हो गया अभी, कम कैसे होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, देख रहा था मैं क्या क्या होता है भाई। ये पेज करो भाई, डू दिस पेज। अच्छा जो नहीं आता टेक्स्ट बुक में देख के करो। ये मैप दिया हुआ है और ये पूछे क्वेश्चंस। देख लो क्वेश्चन है, डच कॉलोनीज कहाँ है, फ्रेंच कहाँ है, और यूरोपियन पावर कौन था जो आगरा और इलाहाबाद में आ गया था, और मराठा स्टेशंस नॉर्थ में कौन से हैं, लाइक भोसले सब नागपुर, और कौन से शहर तक मराठा पावर एक्सचेंज था। ये सब मैप में दिया हुआ है आपको, मैप में देख क्वेश्चन कर लिया होंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है, बड़ा इजी है भाई, ठीक है ना। ये फॉर्मेट आएगा, पढ़ लो नाना पटेल ने चार लोगों से डांस किया था ब्रिटिश के खिलाफ। और ये देखो एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, 1817 में क्या हुआ था, मराठा पावर कब डिक्लेयर हुआ, 1795 में क्या हुआ था, तो मराठा से लिंक्ड है, तो आपको ये कंप्लीट करना होगा। देख लो स्टडी कर लो अभी के अभी, और क्वेश्चंस आ गए, ये क्वेश्चंस आप ध्यान से देखो, मैं आपको फुल टाइम दे रहा हूँ करने के लिए, पूरा टाइम ये चीज़ करने के लिए, अभी के अभी करना है, साथ में हूँ मैं, भले मैं एक्सरसाइज करूँगा आप ट्राई कर लो, बस ये करके मैं करूंगा एक्सरसाइज आपके साथ, आप करोगे
एक्सरसाइज क्वेश्चंस का। सारे क्वेश्चन देख लो, अगर नहीं आता है अभी के अभी टेक्स्ट बुक से देख लो, अभी के अभी। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कितने मार्क्स, मार्क्स का चिंता छोड़ो, तुम पहले कर तो लो, डोंट वरी अबाउट मार्क्स। वो शॉर्ट नोट में लिखना है आपको, कम शब्दों में, डिटेल में, ज्यादा शब्दों में, बस इफ इट इज बिग अबाउट 8 to 10 लाइंस चलेगा। शॉर्ट नोट में 4 to 5 लाइंस भी चलता है, बिग में आपको लिखना है कि 10 to 15 लाइंस। क्वेश्चन 5 ओपिनियन में आप कितने भी वर्ड्स लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और नो रैंक का क्वेश्चन 7 तो वो आपको करना है कि करीबन 1 पेज को, 1 पेज। यस, ये कर लो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी कर लो, ये आपको मैं दे रहा हूँ टाइम। टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ करते रहो, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव। मेरा वेट बढ़ा हुआ है, वेट कम करना है, आपके मार्क्स कम है, आपके मार्क्स बढ़ा रहे हैं। अभी एग्जाम तक आपके मार्क्स 0 है, एग्जाम शुरू होगा, आपका मीटर चालू होगा, एग्जाम के मार्क्स बढ़ाते जाने हैं आपको, राइट। समाज ने वेदास को हिंदी बुक माना है, कौन सा था, स्वामी विवेकानंद ने क्या मैसेज दिया समाज को, अबुल फजल ने क्या लिखी थी, कौन सी बुक, डॉक्टर बाबा साहब का क्या संदेश था लोगों को। सिंपल है, इजी है, आइए इस पर भी कोई मैप नहीं है, लो ये कर लो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और भी जिसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहब बोले 400 थे, वन गॉड के इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जो एक भगवान की बात करते हैं। देखो देखो क्या है, राजा राम मोहन, देखो बड़ौदा महाराष्ट्र, ये शहर के नाम है रामेश, और आपको देखना है बड़ौदा में कौन था, रामस्वामी नायकल कहाँ से थे, राजा राम मोहन कौन से स्टेट से थे। तो जो बीच का बॉक्स है वो ऐसे ही है, जो स्क्वायर बॉक्स है वो राज्यों के नाम है एरिया का, और जो बाहर के हैं वो वहाँ के समाज से, राइट। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज, ये देवाबाद है। ब्रह्मो समाज में कौन था, आर्य समाज में कौन था, स्वामी विवेकानंद कौन से थे, परम सभा में कौन था, और डॉक्टर बाबा साहब में कौन से थे, इस तरह से मैचिंग मैचिंग खेल रहे हैं। ये लो ये क्वेश्चन ले लो, नेक्स्ट ये रहेगा तुम के लिए अच्छी तरह से देख लो। मैंने कहा था ना प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, तो मैंने जब कहा तो लोग बोले कि अरे ये तो पीछे के क्वेश्चन, पीछे के क्वेश्चन नहीं है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। इन न्यू इंडिया सोसाइटी बनाने की फील क्यों हुआ, राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया राइटिंग से, तारा शिंदे ने महिलाओं के बारे में क्या राय रखी, चेक कर लो, चेक कर लो, पढ़ लो, अभी क्या भी पढ़ लो, ऐसी बात नहीं है।
एक क्वेश्चन देखो, वापस प्रिंसिपल्स डिटेल में वही पांचों का पूछ रहे हैं, सर सैयद अहमद खान, रामस्वामी नायकर, महात्मा फुले, रामकृष्ण मिशन, प्रातः समाज, महात्मा फुले का कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या रिफॉर्म्स किए, देखो बार बार वही क्वेश्चन था, ये चैप्टर में यही तो है और क्या है। राइट, हम आप आ गए नीचे चैप्टर सिक्स की बात चल रही है। कहते हैं लोग बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है, ये इतने क्वेश्चन पढ़ते हो जाएगा। क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल, बहुत कम लोग जानते हैं इसका, उनका नाम इस नाम से परिचित बहुत कम है। कोल्हापुर पुलिस थाने से था, पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर दिया। श्याम जी कृष्णन वर्मा, कांग्रेस, सूरत, मुंबई, लखनऊ, कहाँ पे स्प्रेड हुआ था, INC प्रेसिडेंट, नाना साहेब पेशवा, महाराष्ट्र कैबिनेट, ये तो यार इनसे पढ़ते आ रहे हैं। हंसा जी नाइक, पार्टीशन, आजाद हिंद सेना, हंसा जी विठल जवेरी, उषा वेदों की ट्रांसमिशन से पता नाम क्या था, आंध्र जीवन समिति, गदर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, आगे जाओ भारत, कुंवर सिंह, नाना साहेब पेशवा, क्वीन जैसी की रानी, चुना साहब और कहाँ से था, कौन सा रॉन्ग है वो ढूंढना है, ये मैच तो पॉइंट नहीं है, समझे मेरी प्रोग्रेशन जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ करो, चलो चलो चलो। करते रहो करते रहो करते रहो, आगे बढ़ेगी। आगे क्वेश्चन थ्री, मराठा साम्राज्य का उन्होंने दिया हुआ, ये फिर नहीं सॉरी ये फ्रीडम स्ट्रगल वाला दिया हुआ है 1857 वाला। हाँ तो ये बता रहे कि पाकिस्तान में कौन से हैं, बांग्लादेश में कौन से हैं, महाराष्ट्र में कौन से हैं सेंटर्स, डॉक्टर अपना मंगल पांडे पूछ रहे हैं, मंगल पांडे कौन से कैंटोनमेंट थे। ये लो आपके हाथ में कॉन्सेप्ट बना रहा, इसे कहते हैं उनसे रीजंस बिहाइंड रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार में दिया। यहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा, अभिनव भारत ग्रुप, उनके नाम और मूवमेंट की कहानी बताई गई, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में आने ही वाला है, आने ही वाला है। चलो मेरी 15 मिनट की, तुम्हारी तो बहुत सारी है, तुम तो बनने बन गए। शांति घोष, सुनीति चौधरी, स्टॉट बार्ट में किसने झंडा लहराया, बीना दास, चित्ता बन कॉन्फिडेंसी किसने की, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं को ध्यान से करना, एग्जाम में यही आएगा बार बार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही 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 और यही आएगा, आप परेशान मत होना कि हाँ बहुत कुछ पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, यही पॉइंट्स पढ़ के जाओ एग्जाम में, और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोल रहा हूँ मैं 75, 80, 85, 90, चलो मैं बोल रहा हूँ 75, 80, 85, 90 इतना कर लो। एक्सरसाइज मेरा 200 ग्राम कम हो गया, देखो तुम्हारे एक एग्जाम पेपर का फायदा भी हो गया,
ऐसा भी होता है, ऐसा भी पढ़ लो। उमाजी नायक मॉडरेट्स, लोकपाल तिलक अनुशील समिति, इंडिया हाउस, आजाद हिंद सेना, प्रति सरकार, गवर्नमेंट भी, टैगोर साहब, पीस प्रोक्लेमेशन, सॉल्ट सत्याग्रह, से कौन दो, यही चीज आएगी एग्जाम में। अच्छे से पढ़ लो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ 5-5 सेकेंड। चलो मैं हूँ आपके साथ, करते रहिए। ये देखो, ये आ गया आपका क्वेश्चन, पेज 56 पे मैप पे देखेंगे। कराईकल में किसका पावर था? कराची की बात कर रहे हैं, फ्रेंच पावर। वेस्ट में सी समुंदर, साउथ में सिविल कनेक्शन, नॉर्थ वेस्ट पर गोवा वॉर, लिबरेशन वॉर, एक्टिव, चार के नाम बना लेगा। नहीं आते कश्मीर मर्ज कब हुआ? 48 हुआ। हैदराबाद मर्ज कब हुआ? 49 हुआ। सीधा 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 क्वेश्चन बोलो, घर में बोलो। विक्ट्री
सर्टिफिकेशन देना है आपको यहाँ पे, पढ़ाई करते रहिए, पानी पीते रहिए, वीडियो ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक करना है वीडियो को पॉज करिए, बिना पॉज किए वीडियो ब्रेक मत करो, एरो बटन दबाया मतलब नंबर खत्म 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 फिनिश, एरो दबाया तो खत्म, एरो दबा के आगे पीछे करने की कोशिश करो, फिर तो वो आदत पड़ जाएगी, फिर 5 मिनट भी नहीं बैठ लगे, पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई कर लिया तो करो अभी करो, अभी के अभी के अभी के अभी टॉपिक एट है, ये करो चलो, ये वाला करो भाई, चलो चलो फटाफट, ये हमने किया होगा इसलिए फटाफट करो, ये पता है ग्रुप ऑफ नेशंस क्या था वो, ये वादा नहीं है लास्ट वीडियो में, इसके लिए फास्ट करो, ये करो क्वेश्चन की एक ध्यान से देख लो, मॉन्टेफोर्ट गेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, आई टोल्ड यू शॉर्ट नोट्स एंड यू सेड नहीं टेक्स्ट बुक करते हैं, नहीं भाई एक्चुअल क्वेश्चन पेपर फाइव डिमांड के पॉइंट का नाम करते हो, थोड़े थोड़े की मार्क्स कम लगे, study these points, these questions are imminent in the examination, you're gonna do it now, right now, right away, no tomorrow, so Minecraft ka game nahi chal raha hai ki tum bas aage aage fast 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 zoom karte ja rahe ho, yahan par har ek question ek mind hai aur usko padhna hai, ye hai actual Minecraft, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये तो जो दिख रहा है स्क्रीन पे तो सब कुछ सब आने वाले भाई, मैं कह रहा हूँ सब कुछ सब आने वाले, ये एक ध्यान से पॉज कर दो वीडियो, अभी डाउट है अगर नहीं आता तो डाउट है पॉज कर दो वीडियो, अभी करो अभी, अगर तुम चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ाओगे तो गए 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 खत्म, फिर तुम्हारे आगे की 4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, कर रहे हो करते रहो, ब्रेक चाहिए वो ले लो, ब्रेक ले लो लेकिन वो वीडियो पॉज करके जाना, पूरी पढ़ाई करवा रहा हूँ मैडम से अच्छी तरह से, चैप्टर 8 4 बाकी है, 40 मिनट्स 8 हो गए, 4 बाकी है, सही जा रहे हैं हम लोग, हर 5 मिनट एक चैप्टर कर रहे हैं, है ना, नॉट बैड नॉट बैड, ये जो क्वेश्चन 7 चलो ये लो,
कुछ कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, सब देख लो। ये पेयरिंग करो मैच द फॉलोइंग, रॉन्ग वाला कौन सा है, सच वाला, सॉरी द रॉन्ग वंस, वन डू दिस, वी हैव डन इट राइट, division division complete the sentences with this very important nahi aata to pause kar do video guys, it's time to take a break and you know what, aapko thoda stretching karwaenge abhi ke abhi ke abhi ke theek hai, ek baar baar check karna padta hai isko yaar, yahan dekho mera chehra ek baar stretching karo, ekdam pura jhuk jao jahan bhi baithe ho kar lo, baithe ho presume kar lo theek hai, bas stretching us position mein jab ban sakta hai normal breathing chal rahi hai थोड़ा, ये बहुत जरूरी है वरना क्या होगा, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, जो एनर्जी फ्लो एरियाज हैं वो आपके रुक जाते हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो करो बस, बहुत जरूरी है इस साइड में मारो फुट बस, हाथ रख करो आई मसल्स के ऊपर हल्का 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 हल्का, क्योंकि ये लंबा वीडियो में बनाता नहीं, बनाता हूँ तो आपको सिखाऊंगा कैसे करना है ना, बहुत जरूरी राइट, आँखों को आराम, आँखों को बंद रखिए और 10 काउंटिंग तक बंद रखेंगे, 10 काउंटिंग तक बंद रखेंगे ओके, चलो डन रेडी, टेक अ सिप ऑफ वाटर, पुट सम वाटर ऑन योर, हाँ कम ऑन रीस्टार्ट, या दिस वन, कम ऑन डू दिस, कर लो भाई कर लो, ये फैक्टर्स प्रमोटिंग डी कॉलोनाइजेशन, चार पॉइंट्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा 3B में है ना, आपको सारे के सारे करने होते हैं, एक्सरसाइज तो हम करते रहेंगे, क्वेश्चन का एक्सरसाइज कर फर्स्ट वर्ल्ड में ट्रस्टेड नेशंस और डिफीटेड नेशंस दो दो बताइए, ट्रस्टेड थे और डिफीटेड, जापान और जर्मनी डिफीटेड, नोट लिखिए जर्मन का रीजन है अफ्रीका, बंदूक परिषद में क्या हुआ था, अफ्रीका दिस टाइम फॉर अफ्रीका यूनिटी की बात हो रही थी तो क्या हुआ,
हम तो एक्सरसाइज करते रहेंगे, आप दिमाग तक करिए, हम बॉडी करते रहेंगे। तीन लड़ाई लड़ी गई बच्चे के बर्मा में, तीन। सही सही कारण बताइए, टेल द रीजन। De-escalation gained movements after the Second World War. Deprivation began. Nationalism in Africa and Myanmar was annexed. Do you know the reasons of all this? If you don't know, pause the video and go ahead with the textbook, or else go ahead with the video. Come on, everybody. State your opinion. In this question, you have to just write what is given in the textbook. Don't give your opinion, okay? तो ये कर लो, एटलांटिक सैलरी, इंडिपेंडेंस अफ्रीका में कैसे हुआ, म्यांमार का इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ बात है, एटलांटिक कैरेक्टर क्या है, साफ साफ इजी क्वेश्चन है, राइट। नहीं आता तो अभी कर लो, फटाफट कर लो, डू इट, यू हैव टू डू इट राइट नाउ। दोपहर को एग्जाम है ना, अच्छे से करो। ये फाइनल फाइनल प्रिपरेशन भाई, फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल का प्रिपरेशन है, तुम्हारा अंतिम का, फाइनल का, लास्ट का प्रिपरेशन है। देखो देखते चलो क्या जल्दी प्रिपरेशन करो। चलो हो गया, अब उन बढ़ेंगे आगे। टेंथ कोल्ड वॉर, ये AC2 का हेडक्वार्टर्स किधर है मैन? ऑपरेशन किसका बेसिस है? स्टील कर्टेन, कौन बोला, कौन बोला? ये बॉडी मोड कौन ने किया? रॉन्ग बता रहा हूँ, सियाटो एंसेस वर्सा साल। एक्सक्यूज मी, हु इज रॉन्ग? टेल मी, टेल मी, टेल मी फास्ट। नहीं तो जल्द से पॉज करो वीडियो और देखो 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 देखो। ये बताओ, चेक करो अभी के अभी, चेक करो। हम कहीं नहीं जा रहे जब तक आप ये नहीं करेंगे। ये है ये एक्सरसाइज में करो ना, ये बॉडी एक तरफ जा रही है, नेक एक तरफ, बॉडी जा रही है राइट तो नेक जा रहा है मेरा, तो मेरा भी बहुत काम होता है। नेक का साइड भी टर्न करना, रोटेट करना शोल्डर्स को, ये सब जरूरी है। चलो ये करो, आ गया क्वेश्चंस, और ये करो, कमान 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 करो करो करो, जल्दी जल्दी करो। चलो पीछे जाते हैं, टू से सीधा हम जब मार रहे हैं एट पे, सेवन पे। ये क्वेश्चन कैसा है पता है? डिटेल आंसर लिखते हैं, पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, सबसे अच्छा यही है। पॉइंट्स को समझ गए ना, पूरा चैप्टर हो जाता है भाई, कोई पंगा नहीं है, कोई ओवर नहीं है। देख लो क्वेश्चन को, देख लो अच्छे तरह से, देख लिया। रिविजन करना कि हाँ ये ऊपर से मुझे आता है, नहीं आता है। अब ये चीज जरा डिटेल करो, वो बता दो। साइन टू एग्रीमेंट,
हाँ कम से बोल और बताते जाओ, बोलते जाओ बोलते जाओ। ये सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करो, क्या आपको सार पाता है? व्हाट्सएप एट यस मर्ची डिपार्टमेंट यस आई कैन डू इट आई कैन डू इट आई डू इट डू इट है ना। ये लो ये वाला सही है। नॉन अनवेंट कॉन्फ्रेंसिस कहाँ हुए थे? 61 में, 79 में, कैरियो कहाँ हुआ था? डिवेली कहाँ, मतलब कब हुआ था कैरियो में, कब हुआ था काइरो में और डिवेली कब कब हुआ था? आता है नहीं आता है, अभी देखो अभी देखो अभी देखो और सिर्फ अब तक हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, साउथ में कितने हैं? एक तो और नाम बता दो नहीं आपको। जानते हो कौन से बचे नाम है? ये चैलेंजेस क्या है सर? ये भी क्वेश्चन आ गया, क्या चैलेंजेस है सर? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चैलेंजेस, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, ये याद करो ना लास्ट में। कर लिया ये हमने किया हुआ है राइट। अब बचे हमारे पास चैप्टर नंबर टू चैप्टर्स राइट, कौन से कौन से इलेवन चैप्टर। पूरा समझ लिख लिया आपको इन पॉइंट्स के आधार पर राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं।
अब ये करना है आपको, ये तो चेक करना आता है कि नहीं आता। गाइस लास्ट 5 मिनट्स हो जाएगा, चेक करते रहो हर आंसर, एग्जाम में यही आएगा। पानी पीते रहो, पानी के सिप्स बहुत जरूरी है, पीता दिमाग तेज कर देता है पानी। ये क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन मैप क्वेश्चन इसमें भी नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, जरूर है। क्वेश्चन को देखिए और बी वन आपके सामने स्क्रीन पे ये है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट, झारखंड स्पेलिंग तरीके में स्पेलिंग शॉर्ट की वेड होने की वीडियो में शॉर्ट सुन दिया होगा ना। एग्रीकल्चर स्कीम से नहीं दिया, बताओ कौन से ये है सैटेलाइट्स कमर्शियल बेसिस पर, इटली इंडोनेशिया और कौन से कमर्शियल बेसिस पर है। आया ठीक, अब आगे सिटीज इंक्लूडेड कॉल फॉर ट्रायंगल प्लान में कौन से शहर हैं बताइए आप, नहीं पता भी पॉज करिए और अभी देख लीजिए। डंकेल प्रधानमंत्री स्पीड पोस्ट पोस्टल गैट इंडल्स यूथ पॉलिसी बी एस एन ये था ना लास्ट वीडियो में क्या था राइट है ना। ये बताइए राइट इन्फॉर्मेशन, मेट्रो कब शुरू हुआ था, इंडिया ने इमिग्रेशन एम्ब्रेस एम्ब्रेस किया, इंडिया एग्रीकल्चर एग्री टूरिज्म से फील्ड है। अच्छा ओके आंसर आपको पता है तो देख लीजिए, नहीं तो फिर अभी पॉज करी वीडियो आंसर को पढ़ लीजिए भाई पढ़ लीजिए। ये फिफ्थ क्वेश्चन, पांचों के पांचों छः के छः पॉइंट्स पढ़ लो, देखो क्या नहीं आता आपको। क्या होते हैं क्या आपको दिख रहा नजर आ रहा है, दो लाइन लिखोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिखते हैं, बस इसको इलैबोरेट कर रहे हैं, ब्लैंक छोड़ के मत आना एग्जाम में, ब्लैंक छोड़ के मत आना। तो किस तरह से हमारा ये पूरा एक घंटे की पढ़ाई मैंने आपको कहा था पूरा किया, एक घंटे की पढ़ाई लास्ट 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 मज़ा आया होगा ना राइट। चलो ऑन द बेस्ट, ड्रॉप करो और कुछ मत पढ़ना, और कुछ मत पढ़ना, और कुछ मत पढ़ना, इतना ही पढ़ के जाओ एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलेगा।